यूपी के बयान पॉलिटिक्स 8 शहरों के करियर पर लगाया ब्रेक। आकाश आनंद के हाथ से गई पार्टी की कमान। स्वामी प्रसाद कहीं के नहीं रहे, भाजपा आतंकवादी हैं, जूता निकाल कर रेडी रखिए, वोट की जगह जूता मारिएगा। सब डेट रहो, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है इनसे जूते पॉलिश करवाएंगे। कई करोड़ लोग रामचरित मानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है। ये 3 बयान है, पहला आकाश आनंद, दूसरा आजम खान और तीसरा स्वामी प्रसाद मौर्य का। इन बयानों से यूपी की सियासत गर्मा गई, रिएक्शन आए, फिर एक्शन हुआ, किसी को जेल जाना पड़ा तो किसी से पद छीन लिया गया, नेताओं के पॉलिटिकल करियर पर ब्रेक लग गया। आजम को बयान ने पहली बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आकाश आनंद को सारे पदों से हाथ धोना पड़ा, उनके मायावती के उत्तराधिकारी होने पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी पार्टियों से किनारा कर लिया। आज बात यूपी के ऐसे 8 नेताओं की जिनकी बयानबाजी ने उनके पॉलिटिकल करियर को डैमेज किया। संडे बिग स्टोरी में हम बताएंगे इस वक्त इन नेताओं का स्टेटस क्या है, बयान देते वक्त कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इन बयानों के क्या मायने हैं। आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। 10 दिसंबर 2023 को 27 साल के आकाश को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेट बनाया गया। मायावती ने भतीजे को यूपी और उत्तराखंड छोड़कर 26 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही आकाश को यूपी के कैंपेनिंग की कमान दी गई। प्रचार की शुरुआत उन्होंने बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट की। पहली जनसभा में एग्रेसिव नजर आए। 28 अप्रैल को सीतापुर में अपनी 16वीं रैली में भाजपा को आतंकवादी कह दिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोप लगे कि भाषण में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, साथ ही हिंसा भड़काने की कोशिश की। इस बयान के 9 दिन बाद 7 मई मायावती ने आकाश से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेट और उत्तराधिकारी पदों की अहम जिम्मेदारी से हटाया जाता है। मायावती ने यह ऐलान करके आकाश को पॉलिटिक्स से ब्रेक दे दिया। इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के चुनावी जनसभा के दौरान दिए जा रहे स्टेटमेंट ही बताए जा रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मायावती नहीं चाहती थी कि आकाश अपने पॉलिटिकल करियर में विवादित बयानों से उभरे। स्वामी प्रसाद मौर्य दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, मौर्य समाज के में अच्छी पकड़ है। जनता दल से पॉलिटिकल करियर शुरू किया मगर सफलता बसपा में मिली। बसपा में 4 बार विधायक और 1 बार MLC बने। बसपा में उनकी तूती बोलती थी, पार्टी में OBC के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन उनके बयानों की वजह से मायावती ने किनारा कर दिया। 2017 में उन्होंने बसपा का दामन पकड़ थामा, विधायक बने, योगी कैबिनेट में जगह भी मिली, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।